देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेठार। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे एक बहुत संजीदा मुद्दे पर। इस वक्त बिहार की सियासत देश की राजनीति का जीता जागता आईना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की कवायद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार खुद की पार्टी जेडीयू के अंदर जारी कला को संभाल नहीं पा रहे। ऐसे में देश भर के विपक्षी दल का एकजुटान होगा तो होगा कैसे? उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से अलग होने के बाद हजारों कार्यकर्ता कुशवाहा को ज्वाइन कर चुके हैं। नीतीश कुमार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि जेडीयू अब डूब रही है। ललन सिंह पर नीतीश लगाम नहीं लगा पा रहे, लेकिन इन सब के ऊपर नीतीश कुमार के विपक्षी एकता का सपना कितना पानी में है, आज इस रिपोर्ट में आपको तफसील से समझाएंगे और बताएंगे कि नीतीश कुमार का प्लान राहुल गांधी की टैक्टिक्स से कैसे मिलता है। इन्हें बड़े विपक्षी नेताओं को किस हद तक अपने साथ कर पाएंगे नीतीश कुमार, आपको इस सिलसिलेवार तरीके समझाएंगे। देश भर के विपक्षी दलों के समीकरण समझने से पहले समझते हैं हाल बिहार का। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बिखरने से नहीं रोक पा रहे। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह से साहब विपक्ष एकजुट होगा कैसे? ये सुनने में थोड़ा हैरतअंगेज लग सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह से साहब विपक्ष एकजुट होगा तो होगा कैसे? ये सुनने में थोड़ा हैरतअंगेज कर सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताते हैं। जॉर्ज फडणवीस, शरद यादव, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, इन नामों को आपने जहन में आप उतार लीजिए। ये वो नाम है जो एक वक्त पे नीतीश के खास थे, नीतीश कुमार के हमसाथी थे, जो एक वक्त पर ऊंचे पदों पर रहे, उपाध्यक्ष या मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, पर एक एक करके ये सारे नाम नीतीश कुमार से तंग आकर साथ छोड़ते गए। और अब वो नीतीश कुमार जिनके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पैर छुए, चिराग पासवान ने इफ्तारी में जिनका आशीर्वाद लिया, आज विपक्ष को एकजुट करने के लिए उन्हीं नीतीश कुमार को सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी उम्र के काफी छोटे अपने बेटे की उम्र के राहुल गांधी के सामने दंडवत की अदा में झुकना पड़ा। कैसे? ये पता चलता है कि नीतीश कुमार का विपक्षी एकता का मकसद में अब वो पिछली वाली बात नहीं रही, या यही वजह है कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटकने को मजबूर है, हर हथकंडा हर कोशिश करने को तैयार। खैर, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप एक बार राहुल गांधी के बर्ताव पर भी नजर डालें, जहां नीतीश कुमार जिस वक्त राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़कर झुके थे तो राहुल गांधी तन कर खड़े थे। वही बता दें कि जहां नीतीश कुमार एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी झुके थे, तब जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी झुककर अभिवादन किया था। खैर, बात करें नीतीश कुमार के मकसद की, तो क्या इस प्रसंग के बाद नीतीश के मकसद की बुनियाद कमजोर नजर आती है? और अगर ऐसा दिख भी रहा है तो क्या नीतीश कुमार इसमें सफल होते दिख रहे हैं? ऐसे में नीतीश कुमार की इस दुर्दशा को देखकर बीजेपी का खुश होना भी लाजमी है, इसलिए कि नीतीश कुमार ने अपने मंसूबों की कब्र खोदने का बेड़ा खुद उठाया है। ऐसे में बीजेपी के अलावा वो लोग भी इस बात का लुत्फ उठा रहे होंगे जिन्हें नीतीश कुमार ने बढ़ते कद या बढ़ती लोकप्रियता के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। इन नामों में आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा हैं, प्रशांत किशोर और पीके को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्होंने नीतीश की जीत तो पक्की कर दी, लेकिन पीके और इन तमाम नेताओं को खुद नीतीश कुमार ने एक झटके में बाहर कर दिया। इस कवायद में यह भी देखा गया कि बिना पार्टी के प्रशांत किशोर के कैंडिडेट बिहार एमएलसी में जीत गया, वहीं नीतीश की पार्टी पर इसने एक बड़ा तमाचा जड़ दिया। जीतन राम मांझी का अलग अंदाज, क्या साबित होंगे मांझी दगाबाज? वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो हम संरक्षण मांझी की तरफ से भी बगावती सुर सामने आ रहे हैं। अंदाज अनोखा है, बेशक अलग है, मगर इस नायाब तरीके से सीएम नीतीश को चिढ़ाने बितकाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश के एकता प्रयास को संकेतिक चुनौती दी जा रही। मांझी का हड़बड़ी में दिल्ली दौड़ जाना एक बड़े सियासी उठक पटक की वानगी है। इधर नीतीश कुमार कांग्रेस के राहुल के खड़गे और अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे, बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी कर रहे, तो उधर मांझी उसी दिन दिल्ली में बीजेपी से साठगांठ में लगे थे। अब मामले में भले ही मांझी इसे राजनीतिक काम का नाम दे दें, लेकिन एक ही दिन में एक महागठबंधन के साथी अलग-अलग विपक्ष के पास, एक
जिनके साथ मोर्चा खोलने की तैयारी है और दूसरा जिनके खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। ऐसे में मांझी अगले ही दिन बीजेपी के चुनावी चाड़े के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए तो नीतीश के लिए दिक्कतें बढ़ गई। हाँ, कहीं ना कहीं सफाई में मांझी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया, लेकिन ये नीतीश कुमार के लिए तसल्ली ज्यादा नजर आती है। ऐसे में ये नीतीश कुमार के लिए डूबते में तिनके का सहारा कह लीजिए, ये द्वंद पशुपेक्ष करार दे दीजिए, या नीतीश कुमार की अंतर मन कह लीजिए, जहाँ नीतीश कुमार को खुद भी पता था कि महागठबंधन का एक साथी ऐसा है जो उनको सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए उनका मन रख रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद इससे मिलती जुलती बात पूर्णिया में हुई महागठबंधन की रैली में कहा था। ये इशारा दिया था जहाँ नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी का मन भी इधर उधर होते रहता है। भारत जोड़ो, नीतीश का दल जोड़ो या प्लान है मोदी की पार्टी तोड़ो। अब इससे विपक्षी एकता के फाउंडेशन पर बात करते हैं तो ये विपक्षी दलों के एक जुटान का ब्लूप्रिंट लगभग राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही है। राहुल गांधी भी 2.5-3 महीने तक भारत को जोड़ने के लिए देश की सैर पर निकले थे। ऐसे में हर आदमी का नजरिया अलग अलग होता है। राहुल गांधी को भारत टूटता हुआ दिख रहा था, इसलिए राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। ऐसे में उन्होंने भारत को ऐसे जोड़ा कि भारत को दो टुकड़ों में बांटने वाले विलायत ने उन्हें अपने यहाँ भाषण के लिए न्योता दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत ले लीजिए, राजस्थान में सचिन गहलोत की इतना इतनी देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में हर तरफ अंतरकला है, रार है। ऐसे में अब नीतीश कुमार भी उनके अभियान में शामिल हो गए हैं। दोनों में फर्क बस इतना है कि राहुल देश जोड़ने के लिए घूम रहे थे तो नीतीश दलों को जोड़ने के लिए दर दर घूम रहे हैं। समानता यह है कि दोनों जोड़ने का ही काम कर रहे हैं और दोनों के अपने खेमे में भयंकर फूट है। नीतीश दल जोड़ रहे हैं, सुधाकर जहर उगल रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं, वहीं आरजेडी के एंग्री यंग मैन सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के मंसूबों पर सवाल उठा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया कि यूपीए के पास प्रधानमंत्री पद के दर्जनों दावेदार हैं, लेकिन सुधाकर सिंह सिर्फ इतना ही बोलकर नहीं रुके, क्योंकि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को अच्छी तरह सीएम नीतीश कुमार को यूपीए का मेंबर बनने की शर्त के मायने समझा दिए। बात करें नीतीश कुमार के सहयोगी दल आरजेडी, जिसके सारे ये महागठबंधन का मसौदा तैयार हो पाया है, इस अलायंस को शक्ल मिल सकी है। आज के वक्त उसी आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पार्टी बड़े भाई और दो प्यारे भतीजे जब तक साथ में है तो नीतीश कुमार को आड़े हाथों पार्टी ले ही रही है, ये लाजमी है। लेकिन उसमें भी एक नेता सबसे अलहदा है, जो अलहदा है उनका नाम है सुधाकर सिंह और उनके पिता बिहार के एक ऊंची सियासी दुकान के बड़े अधिकारी हैं। इसलिए समय समय पर वे अपनी ही सरकार के खिलाफ जहर उगलने में परहेज नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यही वजह है कि नीतीश जी को सुधाकर सिंह ठेंगे पर रखते हैं। साथ ही सुधाकर शब्दकोश से नीतीश कुमार के लिए इतने निचले स्तर के विशेषण ढूंढ कर लाते हैं जिससे नीतीश कुमार का मन पसीजना लाजमी है। एक दो शब्द आपको सुनाते हैं जहां नीतीश कुमार के लिए नपुंसक और भिकमंगा जैसे विशेषण का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में नीतीश जी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करते हैं, तब तब सुधाकर सिंह उन्हें पल भर में पलटी मारने वाला साबित करने में मशगूल रहते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ आरजेडी भी अपने गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजने की इच्छुक नजर आती है, जिसका नतीजा है कि गाये बगाहे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सीधे तरीके से उन्हें आरजेडी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। इस बार सुधाकर सिंह ने यह कह दिया है कि देश में प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता बहुत लोगों के पास है। उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश अभी नए यूपीए में शामिल हुए हैं, पहले काम करके दिखाए। ये साफ दिखाता है कि पहले नीतीश कुमार को विपक्ष नहीं अपना महागठबंधन के खेमे को एकजुट करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।